नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित ट्विजर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पबजी लाइट का पीसी वर्जन भी आ चुका है। हालांकि ये जो पबजी लाइट पीसी वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड यूजर्स के लिए ही है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी कंट्री में इसको डाउनलोड करके कैसे खेल सकते हो अपने पीसी में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके पीसी में पबजी लाइट पीसी को खेलने के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बड़ा गुड न्यूज़ बता देता हूं दोस्तों, पबजी लाइट के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों। इन्होंने कहा है कि 24 जनवरी को ये जो पबजी लाइट पीसी वर्जन है सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि किसी भी कंट्री के यूजर्स पबजी लाइट पीसी वर्जन को अपने पीसी में डाउनलोड करके खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि वो भी बीटा वर्जन होगा, यानी कि ऑफिशियल नहीं होगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे बग्स देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बीच में अगर कोई गड़बड़ी होता है तो ये जो टाइमिंग है 24 जनवरी का इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है साफ साफ, आप देख सकते हो इनके जो थाईलैंड के पबजी लाइट का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हो उसमें क्या लिखा है। ओके सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पबजी लाइट पीसी को आप किसी भी कंट्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक को ओपन कीजिए, ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, रजिस्टर करना है। तो 24 को जो बीटा टेस्टिंग लॉन्च होने वाला है दोस्तों, उसके लिए भी आप लोगों को एक अकाउंट ज़रूर चाहिए। तो पहले ही आप लोग अकाउंट बना लीजिए। ओके, इस तरह का वेबसाइट आप लोगों के सामने खुलेगा, जो लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को कोने में एक लिखा हो दोस्तों अप्लाई फॉर आईडी, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो एक पेज खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का आप लोगों का पेज खुलेगा आप लोगों के सामने। तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को जो है एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट में आप लोगों को एक ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, अपना ईमेल आईडी। दूसरा यहाँ पे फिर से एक वही ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी। एक पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है यहाँ पे। सो दूसरे तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंफर्म पासवर्ड, वही जो ऊपर आपने पासवर्ड डाला वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जन्मदिन है वो आप लोगों को ढाल देना, बर्थडे वगैरह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में आप लोगों को जो है क्रिएट करना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला उस ईमेल में आप लोगों को एक ईमेल देखने को मिलेगा, पबजी लाइट पीसी की तरफ से एक वेरीफाई करना पड़ेगा आप लोगों को ईमेल। तो जैसे ही आप उसको वेरीफाई में क्लिक करोगे आपका जो ईमेल है वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो पबजी लाइट पीसी का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये हमारा हो गया अकाउंट बनाने वाला का। अब दूसरा स्टेप दोस्तों क्या है कि आप लोगों को जो है पबजी लाइट पीसी वर्जन का जो सेटअप है वो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 61 MB के अराउंड वो सेटअप है, तो आप लोगों को वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोगों को बता देता हूँ कि सेटअप किस तरह का दिखेगा। यहाँ पे एक फोल्डर में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा, तो दोस्तों ये है पबजी लाइट पीसी का सेटअप, ये 61 MB का है। तो इस तरह का सेटअप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में। ओके, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने का स्टेप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे इसको ओपन करोगे वैसे वैसे आपका जो है यहाँ पे आप लोगों को यस करके सेटअप, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस सेटअप पबजी लाइट पीसी का सेटअप का जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप लोगों को एकदम आराम से समझाता हूँ। सो दोस्तों अब जब आप लोगों ने पबजी लाइट पीसी का पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के डेस्कटॉप के होम स्क्रीन में इस तरह का शॉर्टकट आप लोगों को देखने को मिलेगा पबजी लाइट पीसी वर्जन का। सो दोस्तों आप लोगों को अभी भी पबजी लाइट ये जो शॉर्टकट है इसको आप लोगों को ओपन नहीं करना है। उससे पहले आप लोगों को एक ट्रिक करना पड़ेगा, वो ट्रिक क्या है दोस्तों, एक VPN को इंस्टॉल करना पड़ेगा, VPN ऐप को अपने जो पीसी है उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस VPN की ज़रूरत क्यों है, मैं आप लोगों को विस्तार से समझा देता हूँ, चाहे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो आप लोगों को समझ में पूरी तरह से बात आना चाहिए। दोस्तों पबजी लाइट पीसी अभी जो है सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड में रिलीज किया गया है। अगर 24 तारीख से पहले आप लोगों को किसी भी कंट्री में खेलना है तो उसके लिए आप लोगों को VPN जो थाईलैंड का VPN सर्वर है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो थाईलैंड का VPN सर्वर यूज़ करने के लिए आप लोग को ये जो VPN गेट ऐप है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके पीसी में। ओके, तो इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है 24 तारीख को इन्होंने कहा है सभी ग्लोबल के लिए लॉन्च किया जाएगा, तब ये आप लोग को VPN गेट जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर 24 जनवरी से पहले अगर आप लोग को आपके फ़ोन में आप लोग पीसी में इंस्टॉल करके खेलना है तो ये ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो आप लोग को बता देता हूँ। सबसे
पहले तो आप लोग को इसको इंस्टॉल, सबसे पहले तो आप लोग को इसको डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इस फाइल का साइज है 51 MB के अराउंड। तो ये एक जिप फाइल है दोस्तों, जिप फाइल आप लोग को डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको अनजिप करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रैक्ट हेयर करना है, तो तुरंत हो जाएगा एक्स्ट्रैक्ट हेयर। ओके, तो एक्स्ट्रैक्ट हेयर करने के बाद एक फाइल आप लोग को देखने को मिलेगा ये। ओके, VPN गेट, ये एक सेटअप, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके PC में। तो सेटअप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे एक दो बार क्लिक करके आप लोगों को सेटअप करना है। आप लोगों को जैसे गेम्स वगैरह इंस्टॉल आप लोगों ने फ्यूचर पहले किया होगा तो आप बहुत ही इजीली इसको सेटअप कर लोगे। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया, सेटअप कर लिया है, दोबारा नहीं करूँगा, वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट दोस्तों इस कुछ इस तरह का होगा, सॉफ्टवेयर। ओके, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, तो इस तरह का शॉर्टकट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कंप्लीटली आप उस VPN गेट को इंस्टॉल करोगे। तो इसको ओपन करते हैं पहले। ओके, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे VPN गेट पब्लिक VPN रिले में आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आप लोगों के सामने खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत लंबा लिस्ट आप लोगों को सर्वर का लिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हमें कनेक्ट करना है थाईलैंड सर्वर से। ओके, थाईलैंड के सर्वर से। तो बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को थाईलैंड के सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे धीरे धीरे से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को थाईलैंड के सर्वर्स बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। तो एक ये रहा ओके, तो थाईलैंड का सर्वर, इससे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कनेक्ट टू द VPN सर्वर लिखा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो थाईलैंड सर्वर से जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो आप लोगों को कनेक्ट करना है। अब क्या करना है दोस्तों, ये कनेक्ट आप लोगों ने कर लिया इसको VPN को थाईलैंड सर्वर से, तो उसके बाद आप लोगों को ओपन करना है पबजी लाइट PC वर्जन को, ये शॉर्टकट को अब खोल। तो दोस्तों जब आप पहली बार खोलोगे तो इस तरह का खुलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आप लोगों को पहला जो वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करवाया था, उस अकाउंट में जो ईमेल और पासवर्ड आप लोगों ने एंटर किया था वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जल्दी से, और gmail.com ओके सही है, और पासवर्ड हम पासवर्ड भी डाल देते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपने VPN से कनेक्ट नहीं किया है, थाईलैंड के VPN से कनेक्ट नहीं किया है, तो आप लोग लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो लॉगिन करने के लिए थाईलैंड VPN से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को VPN से कनेक्ट करवाया। तो अब लॉगिन में आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, तो लॉगिन में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, एक कुछ चीज़ें मैं भूल रहा हूँ पासवर्ड शायद, तो आप लॉगिन करता हूँ देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 24 तारीख तक वेट कीजिए, 24 तारीख के बाद आप लोगों को VPN का जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, तो यहाँ पे एक अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है अपडेट में। ओके, अपडेट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी गेम का साइज़ है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो पबजी लाइट PC वर्जन जो है आपके PC में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आपके लैपटॉप या PC में क्या क्या स्पेक्स होना चाहिए पबजी लाइट PC को रन करने के लिए। तो दोस्तों पबजी लाइट PC के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ऑफिशियली घोषणा किया, बता दिया कि क्या क्या स्पेक्स होना चाहिए। उसका जो फोटो का स्क्रीनशॉट आप लोगों को इस वीडियो के साइड में आप लोगों को मिल जाएगा, देख लेना, वहां से पढ़ लेना, तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या स्पेक्स आपके PC या लैपटॉप में होना चाहिए पबजी लाइट PC को स्मूथली रन करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें इस मेरे चैनल को, और पबजी लाइट या फिर पबजी मोबाइल या किसी भी गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दोस्तों ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 GB का ये फाइल है, 2 GB का फाइल को डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि हम VPN से कनेक्ट हैं, तो थाईलैंड का जो सर्वर है थोड़ा सा स्लो है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन ये जब कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो आपका जो गेम है ओपन भी हो जाएगा। ओके, सो मैंने पर्सनली डाउनलोड करके पहले देख चुका हूँ, ये दोबारा स्टेप्स मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप्स दिखाना था। ओके, तो अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।